हैं, चल जाओगे? मैया ले जाएगी। बहुत जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माता रानी की अनुकम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था जहाँ पर मुझे दो वीडियो क्लिप दिखा, मुझे लगा वो वीडियो क्लिप आपसे साझा करना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। माता बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता। घोड़ी वोड़ी कर लो माता जी। नहीं नहीं, बेटा जी। हैं, चल जाओगे? मैया ले जाएगी। तो आपने इन दोनों वीडियो क्लिप को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा होगा। पहले वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दोनों पैर नहीं है और वे एक आर्टिफिशियल पैर के थ्रू माता रानी की चढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि एक ऐसी महिला है जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो जो है चल भी नहीं पा रही हैं, फिर भी वो माता रानी की चढ़ाई कर रही हैं। जब उनसे ये कहा गया कि आप जो है घोड़े का सहारा ले लो माता जी, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, मैया ने बुलाया है, मैया ही चढ़ाएंगी और मैया ही यात्रा कराएंगी। अब इन दोनों वीडियो क्लिप को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आएँ, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न ना होने दें। एक्चुअली देखिए होता क्या है, काफ़ी वक्त कमेंट करते हैं, काफ़ी वक्त मिलते हैं तो कहते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं या वो पहले से ही कहते हैं कि इतनी लंबी चढ़ाई है, हम कैसे कर पाएंगे, इतनी ऊपर चढ़ना है, इतनी ऊपर माता रानी है, तो हम कैसे यात्रा करेंगे। कुछ भक्तों को देखा है मैंने कि जब वो कटरा पहुँचते हैं और माता रानी के पवित्र पावन पर्वत के दर्शन होते हैं, तो वो कहते हैं कि इन पर्वत से होकर हम कैसे भवन जाएंगे, इतनी खड़ी चढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि जब ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जिनका पैर नहीं है और एक व्यक्ति जो कि अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, फिर भी इन्होंने क्या कहा कि मुझे यात्रा पैदल करनी है। तो जब इनके अंदर ये मोटिवेशन है, इनके अंदर ये चाह है, इनके अंदर आस्था है, तो फिर आपके अंदर क्यों नहीं है? आप अपने अंदर ये चाह ज़रूर लेकर आइए कि आपको यात्रा पैदल करना है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर ये चीज़ सोचते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर की जो सोच होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि आपको अपनी पूरी चढ़ाई, जितनी भी चढ़ाई है, उसे पैदल करना है। और देखिए आप पैदल कर पाएंगे, बस आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। जब मैं खुद वीडियो क्लिप को देखा तो मैं हैरान रह गया कि सोचिए इनका मोटिवेशन कितना बड़ा है। हम लोग के पास तो पैर है, अच्छे से हाथ है और हम आराम से चलकर यात्रा करते हैं, इनके पास तो पैर नहीं है, ये अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, फिर भी इनका कितना पॉजिटिव थॉट्स है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिविटी थॉट्स होगा, तो आप अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। और कभी भी अपने अंदर ये मत लेकर आइए कि आप चढ़ाई नहीं कर सकते, आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर ये सोच लेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप पहले से ही ये सोचिए कि आपको ये यात्रा पूरा करना है। और जब आपके मन में ये थॉट्स आए ना कि इतनी ऊपर माता रानी है, हम अर्धकुंवारी आ गए, अर्धकुंवारी से हम जो है कैसे जा पाएंगे, किस तरह से जा पाएंगे, तो बस ये वीडियो क्लिप को याद करिएगा। इस वीडियो क्लिप को जब आप याद करेंगे तो आपके अंदर खुद एक नया मोटिवेशन पैदा होगा, एक नया पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होगा और इससे आप अपनी यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो दिखाने का बस यही मकसद है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी थॉट्स आए। देखिए YouTube पे भी मैंने बहुत वीडियो देखा है जहाँ पर लोगों ने ये कहा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको घोड़ा लेना पड़ेगा, आप बैटरी कार लेकर यात्रा करेंगे, आपको हेलीकॉप्टर ही करनी है वरना आप यात्रा नहीं कर सकते, इतनी खड़ी चढ़ाई है, मैं तो हार गया, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि नहीं, आप जो है इन सभी सहारों के साथ यात्रा करिए। अब कुछ भक्त क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि जब इतना सहारा लेना पड़ेगा तो पैसे लगेंगे, फिर हम यात्रा करेंगे कैसे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और माता रानी को याद करके माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, तो देखिएगा आप पूरी चढ़ाई कर लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा मेरी डिजिटल यात्रा में माता रानी की ऐसी मेहर थी, इतनी कृपा होती कि हम भैरव बाबा का भी जो चढ़ाई होता है वो पैदल करते हैं। पिछली डिजिटल यात्रा में हमने दो बार चढ़ाई किया था भैरव घाटी का, जो कि काफ़ी हार्ड चढ़ाई माना जाता है, फिर भी माता रानी की कृपा रही, मोटिवेशन रहा, अंदर से पॉजिटिव थॉट्स रहा और उस थॉट्स के लिए हमने ये चढ़ाई कंप्लीट कर ली।
तो काफ़ी वक्त सहारा लेते हैं, सभी सुविधाओं का सहारा लीजिए, बिल्कुल लीजिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थॉट्स कभी मत आने दीजिए कि आप नहीं चल सकते, आप नहीं यात्रा कर सकते, आप नहीं ट्रैकिंग कर सकते, क्योंकि अगर जिस दिन आपके मन में ये थॉट्स आ जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप अपने दिल से, अपने मन से पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए था, जिससे आप मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव सोचिए और माता रानी का नाम लेकर माता रानी की यात्रा करिए। देखिए आप पूरी चढ़ाई कब कर लेंगे, कब आप माता रानी के दर्शन कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये वीडियो का सिर्फ यही पर्पस था कि आप मोटिवेट रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे थॉट्स रखकर यात्रा करिए, आपकी यात्रा सफल होंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, थोड़ा नया मोटिवेशन आपको मिला होगा, आपने नई वीडियो देखा होगा। और ये दो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, दोनों वीडियो को आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में अपना फीडबैक शेयर करिएगा, ठीक है? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगा, आप सबके कमेंट्स में रीड करूंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। देखते रहिए आपका प्यारा सा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।